हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ ये बेबी हाफ स्वेटर का डिज़ाइन। अभी तो मैंने हाफ बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसके पार्ट टू में आपको फुल इसको बनाना बताऊंगी कि आप हाफ और फुल दोनों कैसे बना सकते हो। ये मैंने पूरा एक ही पल्ले में बनाया हुआ है, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कोई भी जॉइंट नहीं लगा हुआ है। तो चलिए किस तरीके से बनाना है वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं 0 से 3 मंथ 6 मंथ तक का बताऊंगी। उसके लिए आपने क्या करना है, 0 से 61 नीडल वन साइड एंड 61 नीडल दूसरी साइड। आपने टोटल हमने करने हैं 122 नीडल हमारे हो रहे हैं और दो हमने एक्स्ट्रा रखनी है। टोटल 124 नीडल हमने लगाने हैं। वो क्यों लगाने हैं वो मैं फिर आपको बाद में आगे डिवाइड करते समय एक्सप्लेन कर दूँगी कि हमने 124 फंदे क्यों ऑन करने हैं। तो पहले आपने वेस्ट स्टोन से एक रो लगा लेनी है और उसके बाद हम अपना कंघी उसमें सेट कर लेंगे। जो आपका मेन थ्रेड है उसको आपने बाद में यूज़ करना है। पहले हम 2-4 सिलाइयाँ वेस्ट स्टोन की लगा देंगी, जिसे हम बाद में हटाना होगा। तो आपने डिफरेंट कलर का लगाना है, जो आपका मेन थ्रेड है उससे डिफरेंट कलर आपको यूज़ करना है। अब देखिए हम कास्ट ऑन करेंगे, फंदे मशीन में किस तरीके से लगाएंगे कि जो कि आपका बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं पलटेगा, सिंगल बॉर्डर ऐसा लगेगा आपने हाथ से ही बनाया हुआ है। तो देखिए 2 नीडल को हमने रैप करना है और फर्स्ट वाला नीडल हम पीछे की ओर बुन देंगे, फिर 2 नीडल में रैप करेंगे और एक फंदा पीछे को बुन देंगे। इसकी पूरी लॉन्ग वीडियो में लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, इसका पूरा आराम से मैंने बताया हुआ है। इसमें भी दिखा दे रही हूँ क्योंकि कई लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा होगा। जो लोग बिल्कुल बारीकी से बॉर्डर बनाना सीखना चाहते हैं वो लास्ट वाली वीडियो को ज़रूर चेक करें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। लेकिन आप लोग, कल ही मैंने वो वीडियो डाली हुई है तो आप लोग उस वहाँ भी देख सकते हो लेटेस्ट वीडियो में। तो ये मैंने सारे फंदे लगा लिए हैं और अब हमने क्या करना है, एक रो बनाने के लिए मैं सारे नीडल आगे की ओर कर दूंगी। अब हमने पहली रो तो अपनी 9 नंबर पर ही हम बुनेंगे। अब जैसे कि सबको पता है हम बॉर्डर बना रहे हैं, तो मैं अपना कैरिज 7 नंबर पर सेट कर दूंगी। आप अपने थ्रेड के अकॉर्डिंग, अगर आपकी वूल ज़्यादा मोटी है तो आप 8 नंबर पर भी बना सकते हैं। मेरी वूल काफ़ी सॉफ्ट है, बेबी वूल है, तो मैं इसका बॉर्डर 7 नंबर पर बना रही हूँ। और बॉर्डर की चौड़ाई हमेशा अपने हिसाब से रखें, जिस तरीके का बॉर्डर आपको पसंद है उतने आप फंदे रो लगा लें। तो मैं इन्हें 2x1 में डिवाइड कर दूंगी। 2 फंदे मैंने बैक में रखने हैं और एक फंदा मुझे जो पलटना है उसे मैं आगे कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने सारे फंदों को डिवाइड कर लिया है और अब इन्हें हम सारे पीछे कर देंगे क्योंकि हमने इन फंदों को पलटना है। पलटना किस तरीके से है ध्यान से देखिए। पहले तो हम पूरी लाइन को जहाँ तक हमारा वेस्ट स्टोन है वहाँ तक हम इसे खोल लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट हमने ये वाला फंदा बनाया था फर्स्ट रो का, उसे हमने उठा के एक लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन को हमने उल्टा बुनना है। ध्यान से देखिए, फिर से बताती हूँ कि जैसे मैंने पूरा खोल लिया है तो सबसे नीचे में फ्रंट फर्स्ट का जो कास्ट है उसे मैं कास्ट होल्डर में पिक कर लूँगी और एक लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन को मैं पलट लूँगी। इससे हमारा बहुत ही प्यारा बॉर्डर बन के आता है। और आप कभी भी ट्राई करना बड़ी स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, ये कभी भी बॉर्डर आपका पलटने वाला नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपने पूरा बॉर्डर पलट लेना है। सिलाइयों से तो काफ़ी ईजीली जल्दी ही बन जाएगा। तो मैं सारे पलट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने उससे आगे क्या करना है। तो ये मैंने सारे पलट लिए हैं और अब हमने अपना कैरिज का जो नंबर है उसे 9 नंबर पर रख लेना है और 4 सिलाई में अपने जो मेरा थ्रेड है क्रीम वाला उससे लगाऊंगी। फिर मुझे अपना थ्रेड चेंज करना है। डिज़ाइन भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और अगर आपको मशीन का डिज़ाइन डालना हो तो आप उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैं अपने दूसरे वाले कलर की भी 4 रो लगा ले रही हूँ। मैं 2 कलर के कॉम्बिनेशन में ये बना रही हूँ। ये है हमारा 2 कलर का कार्ड जो
आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा जो लगा हुआ है बबल वाला सिंगल कलर का कार्ड, मैं उसे ही रहने दूंगी और उसी के मैं चार चार रो करके बना लूंगी। तो फर्स्ट रो में मैंने एक रो लगा ली है और जो हमारा बटन है उसे हम किस तरीके से लगते हैं, जब हम दो कलर का कार्ड लगाते हैं तो हम ये सेंटर वाला बटन बैक में करते हैं, लेकिन मेरा ये एक ही डिज़ाइन का कार्ड है सिंगल कलर का, तो मैंने साइड के दो बटन प्रेस कर लिए हैं। इस पर भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है कि आपको कार्ड किस तरीके से सेट करना है और आपने किस तरीके के डिज़ाइन के लिए कौन से बटन यूज़ करने हैं, तो वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिन लोगों को मशीन के बटन की जानकारी नहीं है कि हम किस बटन से कौन सा यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस पर मैं फिर अलग सा, अगर मैं इसी वीडियो में बताने लगूँगी तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाता है। तो आपने क्या करना है, अपना थ्रेड चेंज करते रहना है। अगर आप मेरी तरीके से दो कलर का डिज़ाइन डाल रहे हो, और अगर आपने एक ही डिज़ाइन में बनाना है, एक ही कलर में बनाना है, तो आप वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ध्यान रखें, कार्ड का डिज़ाइन डालते समय कुछ सुइयाँ हमारी बैक में रह जाती हैं, जैसे कि मेरी मशीन में थोड़ी इशू चल रहा है, तो मेरे कार्ड के डिज़ाइन में कुछ सुइयाँ वर्क नहीं कर रही है प्रॉपर, दो चार सुइयाँ बीच में, तो मैं उन्हें ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से आगे कर ले रही हूँ, क्योंकि पता लग जाता है जब हम कार्ड का डिज़ाइन बनाते हैं कि जो सुइयाँ हमारी पीछे रह जाती है वो हमारी नहीं बुनती है, तो मैं उन्हें आगे कर ले रही हूँ। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने कुछ भी नहीं करना है, बॉर्डर बनाने के बाद जितना आपको बगल तक डिज़ाइन चाहिए उतना डिज़ाइन आपने बना लेना है और उतनी लेंथ आपने कंप्लीट कर लेनी है। अगर रो के हिसाब से मान के चलो तो मैं बगल, ये जो मैं इसमें डिज़ाइन डाल रही हूँ ये बबल वाला, इसमें रो ज़्यादा लगती है, तो मैंने 80 रो इसमें लगा ली है ताकि मेरा बैलेंस हो जाए। और अगर आप बबल वाला डिज़ाइन न डाल के प्लेन डिज़ाइन डालते हो तो आपको 60 रो लगा लेनी है, रो के हिसाब से भी बता दे रही हूँ। तो मैं इसे पहले बगल तक ये मैंने बना लिया है और मैंने कुछ ही लाइन डाली है, इसलिए मैंने 80 रो लगाई, क्योंकि मेरा जो 20 रो है वो बबल वाले डिज़ाइन में एडजस्ट हो जाएगा। फिर भी आपने लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख लेनी है। अब हमने क्या करना है, मेन पॉइंट हमारा जो है, हमने सारी वन साइड की निडिल आगे कर लेनी है, सिर्फ 31 कास्ट हमने फ्रंट एक साइड को रख लेने हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना 124 कास्ट हमने रखने हैं, तो 31 हम फ्रंट साइड रखेंगे और 62 हमारे बैक साइड के लिए बच जाएंगी। अब मैं यहाँ पर बगल की कटिंग कर दे रही हूँ। बगल की कटिंग आपने साइड से नहीं करनी है, यहाँ जो फंदे हमने आगे करे हैं उनकी साइड से करनी है। तो देखिए मैं कहाँ पर से कर रही हूँ, वहीं पर से आपने बगल की कटिंग करनी है। बगल की कटिंग हम करेंगे 3-2-1 करके, और ये बटन जो आपने ऑन कर लेना है जिससे हमारे ये वाले फंदे नहीं बनेंगे। और जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि बटनों का यूज़ कहाँ पर आपको किस तरीके से करना है, वो भी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब बगल की कटिंग के बाद मुझे चलानी है सिंपली 12 रो में लगा लूँगी, उसके बाद मुझे करना है अपना नेक की कटिंग। तो मैं पहले प्लेन 12 सिलाइयाँ चला लेती हूँ, फिर आपने गले की ओर से, जहाँ पर से मैं कर रही हूँ यहाँ पर से आपने गले की कटिंग करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैं 3-2-1 और फिर 1-1 करके, जब तक मेरी आर्म होल पर 15 फंदे नहीं रह जाते हैं तब तक मैं उसकी कटिंग करती रहूँगी, और जब मेरे लास्ट में 15 फंदे आ जाएंगे शोल्डर पर, उसके बाद मुझे खाली आर्म होल की जो लंबाई है वो पूरी करनी है। और रो के हिसाब से अगर आप लोग बनाते हो तो आर्म होल के बाद मैंने टोटल 50 रो इसमें लगा ली है। 50 रो का हमारे आर्म होल से ऊपर जो 50 रो होते हैं वो काफ़ी अच्छा फिटिंग आ जाता है, और अगर आपका बेबी ज़्यादा हेल्थी है तो आप 55 रो भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमारी जो रो रखते हैं बेबी के लिए वो 50 रो में ही काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर से हमें कपड़े भी बनाने होते हैं, इसलिए 50 रो मैंने लगा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसे वेस्ट वून में मैं उतार लूँगी, तो हमारा वन साइड का जो फ्रंट पल्ला है वो कटिंग हो चुका है। अब इसे वेस्ट वून में हम
उतार देंगे। और फिर आपने क्या करना है वो बताती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है और नेक की कटिंग। अब ये इन फंदों को हम बैक में कर देंगे और लेफ्ट साइड से अब हम दूसरे साइड का फ्रंट कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी हमने 31 निडल बैक में कर लेनी है जो हमारे फ्रंट के पार्ट के हैं। तो 31 में से फिर मैं बगल की कटिंग करूँगी। ध्यान से देखिए, यहीं पर हम लोगों को गड़बड़ी होती है कि बगल की कटिंग कहाँ पर से करनी है। तो आप ध्यान से रखिए, जो दोनों साइड के किनारे हैं वहाँ से आपको नेक कटिंग करना है और बगल की कटिंग आपको यहाँ पर से करना है। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि मैं सेम तरीके से आप लोग कर ले। तो ये देखिए, जूम करके भी आपको दिखा देती हूँ। और थ्रेड को आपने इन निडल के ऊपर से ले जाना है ताकि हमारा थ्रेड फंसे नहीं। और अब सेम तरीके से जैसे हमने दूसरे साइड की बगल की कटिंग करी थी, उसी तरीके से इसमें भी हम 3-2-1 करके कटिंग कर लेंगे। और थ्रेड का आपने ध्यान रखना है कि निडल के बीच में फंसे नहीं। बहुत ही आसान है बनना। और इसके साथ का पजामा पूरा सेट आपको बनाकर बताऊंगी। इसमें अगर मैं हुड बनाऊंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि हुड सबसे इजीली आप कैसे बना सकते हैं। तो अब कटिंग के बाद 12 रो मेरी पूरी हो चुकी है। अब इसमें भी मैं अपनी नेक की कटिंग स्टार्ट कर दूंगी। तो नेक की कटिंग इसी तरीके से करनी है, 3-2-1 करके, और एक एक फंदा हम तब तक लेस करते रहेंगे जब तक हमारी शोल्डर पर 15 फंदे नहीं रह जाते हैं। तब तक हम नेक की कटिंग करते रहेंगे। बहुत ही आसान है क्योंकि काफ़ी लोगों की मैंने एक बार डाली थी 4 हाफ स्वेटर का कि फंदे आप किस तरीके से लगाएं। तो आप लोगों ने उस पर कई बार कमेंट की थी कि आप इसका फुल वीडियो लेकर आओ। तो काफ़ी टाइम से मैं नहीं लेकर आ पा रही थी वीडियो, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास ऑर्डर भी था तो सोचा आपको दिखा दूं। तो इस तरीके से आपने गले की कटिंग करनी है। इसमें एक तो हमारा, जब हम एक ही पल्ले में बनाते हैं फ्रंट और बैक, तो एक तो हमारा इसमें वूल की बचत हो जाती है, दूसरा हमारा सिलने के लिए ज़्यादा नहीं रह पाता है। और अब मैं यहाँ पर अपनी जो आर्म होल की लेंथ है, शोल्डर की जो लेंथ है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्म होल कटिंग के बाद आपने 50 रो लगाने हैं। 50 रो लगाने के बाद इसे भी हम वेस्ट वुड में निकाल देंगे। तो ये हमारे दोनों फ्रंट के पार्ट कटिंग हो चुके हैं। और आपने देखा कितना इजी है, एक पल्ला, ये देखिए एक ही पल्ले में हमारे दो फ्रंट के पार्ट कट हो चुके हैं। अब बचा हमारा बैक का पार्ट। बैक का पार्ट और भी ज़्यादा इजी है। तो आपने क्या करना है, बटन को हम अपना सीधा कर लेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्टिंग में 3 फंदे अपने लेस कर लेंगे जो कि बगल की हमने फ्रंट पल्लों में भी करी है। पहले आप सारे फंदे बैक में कर लें और इस साइड से भी हम 3 फंदे बगल के कटिंग कर लेंगे। फिर दूसरी साइड से हमने 2 फंदे कटिंग करना है। 3-2-1 करके ही हम कटिंग करेंगे। अब दोनों साइड से एक एक फंदा हम लेस कर लेंगे। तो 6 हमारे ये हो गए और 44 रो हमने फिर और लगाने हैं। तो टोटल हमारे 50 रो इसमें भी लग जाएंगे। तो मैं 50 रो लगा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, चलो कोई बात नहीं। इसका पार्ट 2 मैं आप लोगों के साथ बाजू कैसे बनाएंगे और इसमें आप हुड और पट्टी किस तरीके से बनाओगे वो मैं आपको पार्ट 2 में लेकर आऊँगी। तो अपने वीडियो को फुल वॉच करना है और न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये स्वेटर बनकर कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें पट्टी भी हमने कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, अब इसमें से हमने वेस्ट वूल को हटा लेना है, काफ़ी आसानी से हट जाती है। और पट्टी लगने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। और अब मैं पहले इसका वेस्ट वूल
हटा लेती हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि इसमें आपने ये बॉर्डर जो हमारा बना है वो किस तरीके से बनकर आता है। क्योंकि अगर इतना लंबा बॉर्डर हम सिलाइयों में बनाते हैं तो बहुत बोरिंग लगता है मुझे, तो कमेंट में बताना कि किस किस को हाथ से बॉर्डर बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ये मशीन में इस तरीके से बना लिया जो कि बिल्कुल भी हमारा पलटने वाला नहीं है। तो ये हमारा स्वेटर तैयार हो गया है। स्लीव भी मैं इसी में बता देती लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग तैयार रहें। नेक्स्ट पार्ट में पट्टी, हुड और इसे सिलकर पूरा तैयार करना बताऊंगी, जो बिगनर्स हैं उनके लिए खास ये वीडियो है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।